सो ही गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल एंड आई होप यू ऑल विल बी वेरी गुड। तो आज मैं आपके साथ आलू मूली की सब्जी बनाने की एक बहुत ही आसान सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आलू मूली की सब्जी वैसे तो कई तरीकों से बनाई जाती है एंड ये खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी लगती है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो आलू मूली की सब्जी बनाने के लिए मैंने आलू मूली को एक ही साइज में एक साथ ही काट कर लिया है, साथ ही से मैंने वॉश भी कर लिया है। इसी के साथ मैंने लिया है एक मीडियम साइज की अनियन, थोड़ी सी लहसुन की कलियां एंड 2 से 3 लाल मिर्च। आप लाल मिर्च की जगह हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ गैस पे कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है एंड इसमें तेल हमारा गर्म भी हो गया है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आधा चम्मच जीरा ऐड किया है, जीरे के साथ ही हम आधा चम्मच यहाँ पे राई ऐड कर रहे हैं। तो जैसे ही राई एंड जीरा चिड़कने लगता है तो हम इसमें ऐड कर देंगे अनियन, रेड चिलीज एंड मैंने यहाँ पे लहसुन को क्रश कर लिया था उसे, और इसे हम कम से कम 30 सेकंड्स के लिए सॉटे कर लेंगे जैसे इसमें इसका कच्चापन ना रह जाए। तो यहाँ पे मैं थोड़े से करी पत्ते भी ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन करी पत्ते से सब्जी का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, ये बिल्कुल से ऑप्शनल है। तो यहाँ पे देखिए 30 सेकंड्स हमने इसे सॉटे कर लिया है एंड अनियन का कलर भी चेंज होने लगा है। तो अब इस स्टेज पर हम यहाँ पे ये अपनी आलू एंड मूली को ऐड कर देंगे एंड इसे चलाते हुए हाई फ्लेम पे हम अच्छे तरीके से सॉटे कर लेंगे कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक कि हमारे आलू एंड मूली अच्छे तरीके से नहीं भुन जाते हैं। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट हमने इन्हें भून लिया है एंड अब हम इन्हें कवर करके 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। तो 5 मिनट हो गए हैं, हम इसे चेक कर लेते हैं। तो मैं भी बहुत ज़्यादा धुआं की वजह से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे हमारे जो आलू एंड मूली है वो लगभग 80% तक अच्छी तरीके से कुक हो गए हैं, यानी देखिए कितने ज़्यादा सुनहरे हो गए हैं। तो अब हम यहाँ पे अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं आधा चम्मच ये होममेड हल्दी, इसी के साथ मैंने आधा चम्मच ये धनिया जीरे का पाउडर ऐड किया है, आधा चम्मच ही नमक, नमक की क्वांटिटी हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, और इसे हम एक बार अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने 1 पिंच ये गरम मसाला ऐड किया है, आप चाहें तो कोई सब्जी मसाला जो आप नॉर्मल सब्जी में यूज करते हैं उसे भी ऐड कर सकते हैं। एंड अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे एंड मिक्स करने के बाद हम इसे वापस से कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे जिससे सारे मसाले हमारे अच्छे तरीके से सब्जी में कोट हो जाएं। तो अब हम इसे कवर करके 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लेते हैं। 2 मिनट हो गए हैं, हम इसे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो आलू मूली की सब्जी है वो एकदम अच्छी तरीके से पक गई है और हमारे सारे मसाले अच्छे तरीके से आलू एंड मूली में कोट भी हो गए हैं एंड ये सर्व करने के लिए बिल्कुल से रेडी है। आप सर्व करते समय इसमें चाहे तो हरा धनिया भी गार्निश कर सकते हैं, ये बिल्कुल से ऑप्शनल है, ये वैसे भी खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप आलू मूली की सब्जी को रोटी पूड़ी पराठा किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, ये सभी के साथ खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।